हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन छोले की रेसिपी। इस लाजवाब लोहरी मुर्ग छोले को हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चिकन और 250 ग्राम काबुली चने। चनों को हम यूज करेंगे इसके पानी के साथ। अच्छा, चनों को मैंने रात में भिगो के छोड़ दिया था और सुबह मैंने इसमें नमक डालकर इसको उबाल कर रख लिया है। और जब मैंने उबाला था तो इसमें मैंने सोडा नहीं डाला था। अगर आप इसमें सोडा डालेंगे तो पानी को फिर छानना पड़ता है, जिससे कि टेस्ट खराब हो जाता है। 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, बारीक कटी हुई। साबुत मसालों में 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और एक टुकड़ा दालचीनी का, आधा बाउल दही, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसे हुए मसालों में जाएगा आधा छोटा चम्मच पीली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और इसमें हम यूज करेंगे बेसिक मसाले, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। और नमक का यूज करेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। 4 हरी मिर्च, इसको मैं साबुत ही यूज करूंगी और ये हल्की स्पाइसी है। तो गैस को यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल। इसमें तेल थोड़ा सा ज्यादा डलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कम भी यूज कर सकते हैं। तेल को करेंगे हम हल्का सा गर्म। इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और इसी के साथ मैं डाल दूंगी साबुत मसाले, ताकि इनका फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाए। और अब प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक तल लेंगे। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, और चिकन को फ्राई करते टाइम ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। और अब लहसुन अदरक और नमक के साथ हम चिकन को बहुत अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। चिकन को यहाँ 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को लो करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, पीली मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम बिना पानी डाले इनको 1 से 2 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। तो मसालों को यहाँ पर मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा कप पानी। पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर यहाँ पर मैं बंद करूंगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको 1 विसिल लगाऊंगी। 1 विसिल आने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और उसके 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलकर चेक करूंगी। अगर आप इसको कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको बनने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन इतना टाइम तो ले ही लेता है गलने के लिए। और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये जल्दी बन जाता है। खोलकर चेक करेंगे, इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कितना गला है या नहीं। तो इसमें अभी थोड़ी सी कसर है और इतनी ही कसर हमें इसमें चाहिए, क्योंकि अभी इसकी हम भुनाई करेंगे। गैस को यहाँ पर ऑन कर लिया है। इसमें हम डालेंगे दही। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि मसालों से तेल अच्छे से अलग ना हो जाए। मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है और देखिए मसालों से तेल अच्छे से अलग हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे उबले हुए काबली चने। इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें पानी कम लगता है तो आप इसमें अलग से पानी उबाल कर डाल सकते हैं, अगर आपको पतले चने चाहिए तो। और आपको अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़े से चने निकाल कर उसको मैच करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो थोड़ी सी थिक बनेगी। अब इसको मैं रखूंगी दम करने के लिए। इसमें हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, इसमें ऐसे ही लिड लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 5 मिनट दम के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट दम पे रखने के बाद अब हम इसे खोल कर चेक करेंगे। तो देखिए ऑयल इसमें ऊपर आ चुका है, इसकी पहचान ये है कि ये तैयार हो चुके हैं। इसको गार्निश किया जाता है कूटी हुई काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च को कूट लिया है, और काली मिर्च जो हम यूज करेंगे इसमें एकदम फ्रेश कूटी हुई यूज करेंगे, तभी इसका टेस्ट बहुत ही निखर कर आएगा। अब यहाँ पर हम गैस ऑफ कर देंगे और काली मिर्च को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार चिकन छोले बनकर तैयार हुए हैं,
और आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।